Dad? Dad, आज आखिरी बार मैं आपसे पूछने वाला हूं. आज अगर आपने नहीं बताया तो फिर मैंने जो सोचा है मैं वही करूंगा. वो आदमी कौन है डैड? एक तो आप मुझे कुछ नहीं बता रहे. जब मां बताना चाह रही थी तो उन्हें भी रोक दिया आपने. जब वो आदमी खुद यहां आया था तो उसे भी आपने कसम दे दी थी. ये सब क्या हो रहा है डैड? ठीक है, अभी भी आप नहीं बताएंगे. अब मैं वही करने वाला हूं जो मैंने सोचा. हेलो इंस्पेक्टर कामत जी, मैं राहुल बोल रहा हूं. जिस आदमी के बारे में मैंने बताया था आपको, उसे आप गिरफ्तार कर लीजिए. जी हाँ, मैं FIR भेज ही देता हूं आपके पास. और मेरे परिवार को टेरराइज करने के जुल्म में कम से कम 1 साल तो उसे मिलेगी ना. राहुल क्या कर रहे हो तुम? प्लीज डैड. हाँ सॉरी मिस्टर कामत, मैं क्या कह रहा था. हाँ तो आप कम से कम ये क्या कर दिया आपने डैड? क्यों गिरफ्तार करवाना चाहते हो उसे? क्या मतलब क्यों? अरे आपको टेररराइज कर रहा है वो. वो हमारा बुरा नहीं सोच रहा डैड. वो बुरा आदमी है. जब मैंने देखा उसकी शक्ल नहीं बताया मुझे. राहुल सचमुच वो बुरा आदमी नहीं है डैड. वो इस परिवार को बर्बाद करना चाहता है. नहीं, वो इस परिवार को एक करना चाहता है. देखिए आपको जो सोचना है आप सोचिए. मैंने जो करना था मैंने कर लिया. अब पुलिस निकल गई होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता. राहुल फोन करो, कामत को फोन करो और उसे बोलो रुके. क्यों क्यों? मैं तो चाहता हूं कि वो गिरफ्तार हो जाए. तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? क्यों ऐसा सलूक कर रहे हो उसके साथ? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? ऐसी बातें कर रहे हैं आप डैड? माँ की शक्ल देखी आपने? डर है उनकी आंखों में. वो इस परिवार को बर्बाद करना चाहता है डैड. अरे कौन भाई अपने भाई का परिवार बर्बाद करना चाहेगा? भाई वो आपका भाई? रिंकी को कितनी बार समझाए. अच्छा ये ठीक है. आगे तुम क्या हुआ? इतना मुंह लटका कर क्यों आए हो? जगीरा को पुलिस के हवाले कर दिया ना? 10 लाख के इनाम का काम हो गया ना? बोलती क्यों नहीं? अरे मैं सपना, वो जागीरा को लेकर गया तो था पुलिस स्टेशन में, पर क्या? अब ये पर मगर अगर कहां से आ टपका? तुमने तो अपना काम कर दिया ना. कल तुम्हारा अखबार में नाम छपेगा और फिर हमें 10 लाख रुपए इनाम मिलेगा. मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 10 लाख रुपए मैं कैसे खर्च करूंगी. बताना हमें पैसे कब मिलेंगे, कौन देगा? कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले. क्यों? अरे पुलिस वाले को यकीन ही नहीं था कि जागीरा एक टेररिस्ट है. क्या पुलिस ने उस आतंकवादी उस बदमाश को शरीफ कहा? उनको लगा पैसों की खातिर मैं एक अच्छे इंसान पर इल्जाम लगा रहा हूँ. मुझे धमकी देने लगे कि वही मुझे पुलिस में डाल देंगे अंदर. कैसे लोग हैं, एक शरीफ और बदमाश के बीच का फर्क ही नहीं समझते. कैसे इस देश को आतंकवादियों से बचाएंगे? जगीरा ने तो उनको बहका दिया, कहने लगा कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ जी, मैं एक शरीफ इंसान हूँ. और मुझे धमकी दी कि देखना मैं फिर आऊंगा. आने दो उसे, अब की बार तो उसे मैं पकड़वा के पुलिस के हवाले कर ही दूंगा और अपने 10 लाख रुपए ले आऊंगा. मैं ले आऊंगा सपना, मैं ले आऊंगा, डोंट वरी. क्या समझता है अपने आप को? चलो बच्चों चाय पी. डैड अब तो बताइए ना. क्या बताऊं? देखो ना मामा, फिर से बात को टाल रहे हैं डैड. इसे तो राहुल भैया ही अच्छे थे, किसी तरह बातों में फंसा कर वो बात निकलवा ली कि वो जो आए हैं वो हमारे चाचा हैं, किशन चाचा. डैड आपने ये बात हमसे छुपा के क्यों रखी थी? हर बात का एक वक्त होता है बेटा. मैंने सोचा समय आने पर बता दूंगा, लेकिन ये राहुल, किशन मेरा छोटा भाई है, सगा भाई. वो तो हमें पता है डैड, लेकिन हमें और जानना है. आगे मेरे सामने जानिएगा. अरे ताकि अगर ये कुछ छोड़ दें तो मैं पूरा कर सकूं. नहीं नहीं बेटे, बस बस जीते रहो. बैठिए बैठिए बैठ. चाचा जी हमें तो अभी आपके बारे में पता चला. आपको तो हमारे बारे में पता था ना, फिर हमसे मिलने क्यों नहीं आए पहले? सब वक्त और हालात की बात है बेटा. बचपन से जवानी तक साथ रहे, फिर एक दिन अचानक बाबूजी के साथ इनका कोई एक बात पे झगड़ा हो गया
और ये घर छोड़कर चले गए। किस बात पर डैड? बाबूजी मेरी शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाना चाहते थे और मैं अपनी पसंद से करना चाहता था। You mean, उस जमाने में लव मैरिज? Too good, Dad. एक मिनट, फिर क्या हुआ? बाबूजी को बहुत गुस्सा आया, बहुत नाराज हुए, फिर हम दोनों में जमकर झगड़ा हुआ। उन्होंने गुस्से में आकर कहा कि ये बात है तो तुम घर छोड़कर चले जाओ, घर से बाहर जाओगे कमाओगे तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। मुझे उनकी बात जरा चुभ गई। मैंने कहा ठीक है, तो मैं घर छोड़कर आ गया। बाद में बाबूजी को भी बहुत पछतावा हुआ। हमने इनको ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर इनका कहीं पता नहीं लगा। गांव से आकर मैंने शादी की, फिर एक जगह बच्चों को पढ़ाने लग गया। कुछ दिनों बाद मुझे मौका मिल गया यहाँ आने का, तो यहाँ आके बस गए हम। लेकिन डैड, हमसे ये बात छुपाई क्यों आप? देखो, मेरे मन में एक गिल्ट था बाबूजी को छोड़ने का, और फिर तुम लोगों के लिए मैं एक आइडियल बाप था। उस वक्त हालात और वक्त के मुताबिक जो ठीक लगा मैंने किया, लेकिन बाबूजी को छोड़ने की कसक हमेशा बनी रही। फिर मैंने आप लोगों को ढूंढ निकाला और फिर बाबूजी को भी मन में यही रहता था कि उनकी आंख हमेशा के लिए बंद हो जाए, उससे पहले ही आके एक बार उनको मिल ले। दादाजी अभी तक जिंदा है? Wonderful. तुम क्या देख रहे हो मेरी तरफ? मैं उस औरत को देख रहा हूँ जिसके लिए डैड ने बगावत की। डैड, मुझे लगता है कि आपको दादाजी से मिलना चाहिए। हाँ डैड, बिल्कुल। मैंने तो सोचा था कि टाल जाऊं, किशन भी 2-3 दिन बाद वापस चला जाएगा, लेकिन अब लगता है कि मैं मिल ही लूं। चलो, मेरे यहाँ का मकसद पूरा हो गया। चाचा, मैंने आपको बहुत गलत समझा। I'm sorry. नहीं बेटे। हेलो। हेलो अमरीश। कौन? मेघा। हाँ बोलो। अमरीश, उस आदमी को मैंने फिर से देखा जो काला कोट पहनता है, उसका मैंने पीछा भी किया है। तुम यहाँ जल्दी से चले आओ। लेकिन पहुँचना कहाँ है? देखो, ये सुरेखा का मकान है जिसका कार से एक्सीडेंट हुआ था, जो मुझे कुछ बताना चाहती थी। सुरेखा के घर? हाँ हाँ, तुम जल्दी से चले आओ। ओके, मैं पहुँचता हूँ। लेकिन ये आदमी सुरेखा के मकान में क्यों आया है? बाबूजी, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। ये रहा आपका गोपाल। गोपाल, मेरा बेटा गोपाल, तू आ गया। मैंने तो सोचा था तुझे बिना देखे मैं चला जाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तेरे जाने के बाद हमने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, बड़ा पछताया। मैं आपका गुनहगार बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए।
माफी तो मुझे मांगनी चाहिए गायत्री से, जो उसे मैंने अपनी बहू स्वीकार नहीं किया उस वक्त। अगर उस वक्त मैं अपनी जिद पर ना अड़ा होता तो पूरा परिवार एक होता, इस तरह बरसों से एक दूसरे से दूर तो नहीं रह पाते। बाबूजी प्लीज, आप ज्यादा बातें मत कीजिए, ये यही रहने वाले हैं, बाद में भी बात कर सकते हैं हम लोग। राजेश, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। हा? मैंने क्या किया? क्या किया? अरे धोखा किया तुमने मेरे साथ, गद्दार हो तुम, धोखेबाज हो तुम। ये क्या कह रही हो तुम? तुम चुप रहो, आज मैं इस धोखेबाज को सबक सिखा कर ही रहूंगी। बस बस बहुत हो गया, क्या धोखा किया मेरे पति ने? अरे उसी से पूछो, जगीरा को गायब कर दिया इसने। ओ, तो ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हारा दिल टूट गया? हैरत है मुझे तुम्हारी पसंद पर, ऐसे खतरनाक आतंकवादी के इश्क में पड़ गई। राजेश, अपनी पत्नी को समझा कि वो इस तरह की घटिया बात ना करे। हमारे बीच में ये तय हुआ था कि नहीं कि जगीरा को तुम्हारे घर पर रखेंगे, उसके साथी को एक एक करके गिरफ्तार करके उसके पूरे ग्रुप को पकड़ेंगे, हा? और फिर 10 लाख का इनाम 20 लाख रुपए हो जाएगा, फिर हम 10-10 लाख रुपए आपस में बांट लेंगे और फिर अखबार में जमकर पब्लिसिटी करेंगे। लेकिन तुम धोखेबाज निकले, तुम अकेले लेकर चले गए उसे पुलिस स्टेशन? हाँ ले गया, क्योंकि उसने हमें और हमारे घर को परेशान किया, बहुत ज्यादा परेशान किया, आपके घर को नहीं। इतने दिनों तक इतने खतरनाक आतंकवादी को हमने पनाह दी, ये क्या कम था? राजेश, तुमने अपना वर्ड पूरा नहीं किया, यू आर नॉट अ कमिटेड मैन। तुम पर तो कोई भी कंपनी भरोसा नहीं कर सकती, तुमने मेरे 10 लाख रुपए का नुकसान किया, यू आर फायर्ड, तुम नौकरी से निकाले जाते हो। अरे तुम क्या नौकरी से निकालोगी, मैं ही अपने पति को तुम जैसी लालची और दिल फेंक औरत के साथ काम करने नहीं दूंगी। तू राजेश? हाँ, मैं नहीं ऐसी नौकरी करना चाहता। नौकरी नहीं करना चाहता? हाँ। अरे नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है, जब दर दर की ठोकरें खाओगे ना तब पता लगेगा तुम्हें। सपना, वो सचमुच में नौकरी? अरे हमें नहीं करनी है ऐसी नौकरी। हाँ लेकिन जॉब मार्केट भी बहुत खराब है। ये नौकरी करके भी कौन सी हालत सुधर गई थी, वो भी ऐसे खतरनाक लोगों के बीच, कभी चांदनी तो कभी जागीरा। उफ, नो नो नो, मैं तुम्हें ऐसी नौकरी कभी नहीं करने दूंगी। इसका मतलब है अब एक नए नौकरी की तलाश में मुझे बाहर निकलना होगा। बेटा, बाबूजी प्लीज, डॉक्टर ने आपको ज्यादा बातें करने से मना किया है। बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता। जी। किशन को मैंने कहा था कि वो कहीं से भी तुम्हें ढूंढ के ले आए। किशन, तुम ही बताओ, मैं कहूंगा तो अगर इसने उसका गलत मतलब निकाल लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बाबूजी अपनी जायदाद का बंटवारा करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी जायदाद बराबर बराबर हिस्से में हम दोनों भाइयों के बीच में बांट दी जाए। आपको इसीलिए यहां बुलवाया है ताकि आपका हिस्सा वो आपको सौंप सके। नहीं बाबूजी, मैं ये जायदाद नहीं ले सकता, माना कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन जब मैं यहां से गया था तो हमारे पास इतनी संपत्ति नहीं थी। ये सब किशन ने जी तोड़ मेहनत करके हमारे बिजनेस को इतना बढ़ाया, ये उसकी मेहनत का फल है बाबूजी, मैं उसे उससे कैसे ले सकता हूं। और फिर मैंने जिंदगी में अपने घर के लिए किया भी क्या है? कुछ नहीं, मैं ये नहीं ले सकता, मुझे माफ कर दीजिए। देखा, मैंने कहा था ना ये नहीं मानेगा, अगर यही बात इसे मैंने कही होती मुझे पूरा यकीन है ये उसका गलत मतलब निकाल लेता और सोचता कि उस वक्त जो मैंने इसके साथ नाइंसाफी की है उसी के बदले में सूद समेत मैं सब कुछ इसे लौट आ रहा हूं। ये बात नहीं है बाबूजी, लेकिन जिस बात को मेरा मन नहीं मानता वो मैं कैसे कर सकता हूं, कैसे मैं अपने भाई की कमाई में हिस्सेदार बनूं?
नहीं बाबूजी, मैं नहीं बोल सकता। देखो बेटा, ये बूढ़े बाप की आखिरी ख्वाहिश है, इसे पूरा कर दो ताकि मैं सुकून से जा सकूं, वरना मरने के बाद भी मुझे चैन नहीं आएगा। नहीं बाबूजी, आप और जो चाहे कहिए, मैं करने को तैयार हूं, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। नहीं बेटा, मेरी ये ख्वाहिश तुम्हें जरूर पूरी करनी होगी। नहीं बाबूजी, मैं ये नहीं कर सकता। देखो बेटा, ये मेरी कसम है, तुम्हें ये मेरी इच्छा जरूर पूरी करनी होगी। ये मत समझना कि मैं यहाँ वापस लौट आई या तुम लोगों से माफी मांगने आई हूँ। तुमसे ऐसी उम्मीद तुम्हें सपने में भी नहीं कर सकता। मैं प्रथम को लेने आई हूँ। अगर हम इसे लेने खुद जा सकते हैं तो इसे वापस वहां छोड़ने भी जा सकते हैं। नहीं, मुझे तुम लोगों पर जरा भी भरोसा नहीं है। पता नहीं तुम लोग उसे वापस लाओ या ना। लेकिन राहुल ने कहा था कि वो खुद उसे लेकर जाएंगे। हाँ, राहुल कहाँ है? राहुल भैया बिजी हैं, इसीलिए मैं आई। ठीक है, जब फ्री हो जाएंगे तो कहना कि वो उसे आकर ले जाए। क्यों? क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मैं अपने बच्चे को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकती। हाउ डेयर यू, तुम जानती हो इसका अंजाम क्या हो सकता है? क्या अंजाम होगा? हाँ, धमकी दे रही हो तुम। अगर तुम लोग उसे एक दिन देर से भेज सकते हो तो हम लोग भी उसे एक दिन देर से भेज सकते हैं। तुम ये बिल्कुल साबित नहीं कर सकती आंचल कि हमने इसे एक दिन देर से भेजा था। लेकिन अगर मैं चाहूं तो अभी जाके कंप्लेंट कर सकती हूं कि कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ तुम उसे एक दिन एक्स्ट्रा रख रही हो। फिर बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ये तो दो दिनों का चांस है ना, वो भी हाथ से जाएगा। देखो देखो तुम भैया भैया देखो तुम मेरा बच्चा बेचारा कितना परेशान हो जाता है यहाँ के। मैं जानती हूँ बेटा, तुझे अच्छा नहीं लगता, क्या करूँ, मजबूर हूँ। बेचारा परेशान हो गया है बिल्कुल, देखो रोने वाला है। बताया वो क्यों परेशान है? क्योंकि इसे भी इस बात का एहसास है कौन गलत है और कौन सही। चलिए चलो मेरा बच्चा, चलो घर चलो। हाँ बेटा चलो 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 चलो, माँ को बुला रहा है। चुप, मुझे इसको लेके जाने दो, बहुत हो गया। चलो अर्चना चुप। ये कैसी औरत है भैया? कैसी औरत है? और तुमने मुझे रोका क्यों? मैं उसकी तरह नहीं गिर सकती भैया। कैसी? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।